आइए हम देखते हैं भारत की संविधान सभा का निर्माण क्रम। संविधान का नहीं, संविधान सभा का निर्माण क्रम। संविधान सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया उसका ऐतिहासिक विकास क्रम क्या रहा है। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का जो दर्शन दिखलाई पड़ता है वह तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक 1895 में दिखाई पड़ता है। स्वराज विधेयक 1895 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल भी कहा जाता है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 की उद्देशिका में यह कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद का उत्तरदायित्व होगा। इसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में संविधान सभा की सबसे स्पष्ट मांग की गई जिसमें यह कहा गया कि भारत की स्वराज ब्रिटिशों का उपहार नहीं होगा बल्कि ये भारतीय जनता की आत्म अभिव्यक्ति का पोषण होगा। इसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट जो संविधान सभा के विकास क्रम में सबसे सशक्त प्रयास था। इसके बाद देखते हैं 1934 में एमएन राय तथा स्वराज पार्टी से सपने भी संविधान सभा की मांग उठाई और इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी औपचारिक रूप से संविधान सभा के बारे में चर्चा की। इसके बाद देखते हैं 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग रखी। इसके बाद 1938 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि संविधान सभा का निर्माण भारत की जनता द्वारा सार्वभौमिक बहस मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। इसी क्रम में देखते हैं 1945 में सत्रु समिति जो बनी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा निर्माण की योजना बनाई थी। इन सब प्रयासों के बाद अंततः कैबिनेट मिशन सभा 1946 में बनी जिसमें संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये